घटना प्रसिद्ध अटेरिया देवी मेले में घटित हुई है, जहां दो पक्षों में आसपास में मामूली विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार दिव्यांग नंदू कोली निवासी ट्रांजिट कैंप का कुछ लड़कों के बीच विवाद हो गया था, जिसके चलते अज्ञात युवक दिव्यांग नंदू कोली से रंजिश रखने लगे और इसी के चलते युवकों ने दोबारा अटेरिया मंदिर में लग रहे मेले में नंदू पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा घायल नंदू को उपचार के लिए हल्द्वानी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। ये पूरा प्रकरण जो है ये प्रकाश में आया था कि वहाँ मेले के दौरान कुछ युवकों में आपस में झगड़ा हुआ इसमें, और एक युवक उसमें गंभीर रूप से घायल है जिसको हायर सेंटर रेफर किया है। तो इसमें हम लोग जो भी प्रकरण है उसकी हम इसमें जांच कर रहे हैं। फिलहाल उनके जो परिजन हैं वो उनके इलाज में व्यस्त थे, अभी आए हैं, वो तहरीर दी जा रही है उनके द्वारा, और इसमें हम कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे और जिसने भी ये घटना की है उसके विरुद्ध हम कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।